please subscribe and press the bell icon for more content. हाय एवरीवन, स्वागत है आपका एक और नई वीडियो पर। दोस्तों, आज के वीडियो पर हम लोग माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस वर्ड का लेसन 41 पर है। अभी तक आप लोगों ने लेसन 40 तक का वीडियो नहीं देखे हो तो प्लीज़ आई बटन पर जाकर देख सकते हो, या फिर डिस्क्रिप्शन बॉक्स में सारे वीडियो का प्लेलिस्ट है दोस्तों, वहाँ से आप जाकर बड़ी आसानी से देख सकते हो। तो दोस्तों, बढ़ते हैं आज के लेसन की तरफ। आज के लेसन पर हम लोग माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस वर्ड पर किस तरीके से मैथ का क्वेश्चन पेपर क्रिएट करेंगे, तो वीडियो पर बने रहिए अंत तक। सर पर पहली बार आया तो सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन दबाना मत भूलिए। अभी तक इस वीडियो को लाइक नहीं किया तो प्लीज़ लाइक जरूर कर लीजिए। दोस्तों, मैंने पिछले वीडियो पर एक क्वेश्चन पेपर का वीडियो बनाकर अपलोड किया था दोस्तों। आप लोगों ने ढेर सारे लोग ने मुझे कमेंट कर बताया दोस्तों, मैथ का क्वेश्चन किस तरीके से टाइप करते हैं, तो आज वही टॉपिक पर हम लोग बात करने जा रहे हैं। तो वीडियो पर बने रहिए अंत तक। तो सबसे पहले तो आपको मैथ का क्वेश्चन पेपर क्रिएट करने के लिए एक पेज क्रिएट करना होगा। आप जिस तरीके का, यानी कि आप फोल्डेड क्वेश्चन पेपर बनाना चाहते हो तो भी दिक्कत वाली बात नहीं, आप वन पेज पर ओनली नॉन फोल्डेड वाले क्वेश्चन पेपर क्रिएट करना चाहते हो तो दिक्कत वाली बात नहीं, आप बना सकते हो। मैं यहाँ पर लैंडस्केप पर फोल्डेड क्वेश्चन पेपर के यहाँ पर क्रिएट करने जा रहा हूँ मैथ का क्वेश्चन। तो उसके लिए सबसे पहले आपको यहाँ पर लेआउट के अंदर क्लिक करना है। ध्यान से देखिए, लेआउट के अंदर क्लिक करने के बाद आपको यहाँ पर साइज देना है A4 साइज। अब ज़्यादा बड़ा वाला क्वेश्चन पेपर बनाना चाहते हो तो यहाँ से आप A3 साइज़ का भी यूज़ कर सकते हो, अदरवाइज आप यहाँ पर A4 साइज़ यूज़ करते हुए काम कर सकते हो, अदरवाइज आप यहाँ पर A5 साइज़ भी यूज़ करते हुए काम कर सकते हो। यानी कि छोटा क्वेश्चन पेपर बनाने हैं तो यहाँ से आप क्लिक कर सकते हो। मैं फिलहाल के लिए A4 साइज़ पर फोल्डेड क्वेश्चन पेपर यहाँ पर क्रिएट करने जा रहा हूँ। तो यहाँ पर देखिए, A4 साइज़ क्लिक करता हूँ और इसको ओरिएंटेशन चेंज करता हूँ लैंडस्केप पर। लैंडस्केप पर क्लिक करने के बाद यहाँ पर आपको मार्जिन दिखेगा दोस्तों, आपको यहाँ पर नैरो करना है। मार्जिन आपको जितना कम रहेगा उतना ही आप यहाँ पर ढेर सारे क्वेश्चन पेपर वगैरह आप यहाँ पर टाइप कर सकते हो। तो यहाँ पर मैंने 0.5 वाले मार्जिन यहाँ पर सेलेक्ट कर चुका हूँ। अब आपको सिंपली क्या करना है, कॉलम्स पर क्लिक करना है, टू कॉलम्स पर क्लिक करना है। ध्यान से देखिए, यहाँ पर क्लिक करने के बाद दोस्तों यहाँ पर देखिए कॉलम्स क्रिएट होकर आ चुका है। अब आपको सिंपली इसको स्क्रॉल अप डाउन करते, माउस को स्क्रॉल अप डाउन करते, कंट्रोल होल्ड करते आप इसको पेज आउट, जूम आउट, जूम इन कर सकते हो। तो यहाँ पर सबसे पहले आपको क्वेश्चन पेपर टाइप करने के लिए आपको ऊपर की तरफ स्कूल का नेम वगैरह आपको टाइप करना है। मैंने पिछले वीडियो पर सब कुछ आपको बता चुका हूँ दोस्तों। मैं वही वाला यहाँ पर सेलेक्ट करता हूँ, तो वही पर मैं यहाँ पर काम करता हूँ, टाइप करने का नहीं पड़ेगा। तो यहाँ पर देखिए, मैं क्वेश्चन पेपर सेलेक्ट करता हूँ। तो यहाँ पर मैंने क्वेश्चन पेपर ऑलरेडी सेलेक्ट किया है दोस्तों। यहाँ पर देखिए, ये वाले क्वेश्चन पेपर था, मैंने पिछले वीडियो पर बता चुका था। अब मैं यहाँ पर मैथ का क्वेश्चन पेपर के लिए इस वाले सारी ऑप्शन को डिलीट करता हूँ और यहाँ पर इतना ही रख देता हूँ। तो इसको डिलीट करता हूँ और डिलीट करने के बाद सिंपली मैं यहाँ पर सब्जेक्ट टाइप कर लेता हूँ मैथ। तो यहाँ पर देखिए, इस तरीके से मैंने सब कुछ यहाँ पर कंप्लीट हो चुका है। अब आपको सिंपली क्या करना है, यहाँ पर आपको क्वेश्चन पेपर के लिए कुछ टाइप करना है। आपको जो भी क्वेश्चन पेपर वगैरह है आप यहाँ पर टाइप कर सकते हो, दिक्कत वाली कुछ भी बात नहीं। मैं फिलहाल के लिए आपको समझाने के लिए यहाँ पर कुछ फिगर वगैरह बनाकर मैं इसी को कॉपी पेस्ट करते आपको यूज करूँगा। एक फिगर बनाऊँगा, उसको भी यहाँ पर इक्वेशन वगैरह बनाकर आपको यहाँ पर क्वेश्चन पेपर क्रिएट करके दिखाऊँगा दोस्तों। तो यहाँ पर मैं सबसे पहले क्वेश्चन नंबर 1 टाइप कर लेता हूँ। क्वेश्चन नंबर 1 पर मैं यहाँ पर टाइप कर लेता हूँ, सॉल्व दिस क्वेश्चन। तो मैंने कुछ इस तरीके से यहाँ पर टाइप कर चुका हूँ। अब मैं यहाँ पर कुछ इक्वेशन वगैरह यूज़ करूँगा, उसके लिए आपको सिंपल प्रोसेस है दोस्तों। यहाँ पर देखिए, इंसर्ट के अंदर क्लिक करना है और यहाँ पर आपको इक्वेशन के अंदर क्लिक करना है। यहाँ पर देखिए, इक्वेशन का ऑप्शन है। मैंने ये एक टॉपिक वाइज वीडियो पर बनाकर अपलोड किया था दोस्तों इसी चैनल पर। अभी तक आप लोगों ने नहीं देखा तो प्लीज़ देखकर सीख सकते हो दोस्तों, इक्वेशन किस तरीके से यूज करते हैं। सब कुछ मैंने फुल कंप्लीट वीडियो बनाकर अपलोड किया था दोस्तों। तो आपने अभी तक नहीं देखा हो तो प्लीज़ एक बार देखकर सीख सकते हो। तो यहाँ पर देखिए, इक्वेशन पर यहाँ पर आपको क्लिक करते हो तो यहाँ पर आपको सिंपल एडजस्ट करने का ऑप्शन मिलेगा, अदरवाइज आप यहाँ पर क्लिक करते हो तो यहाँ पर आपको क्लिक करते हो इस वाले को क्लिक करते हो यहाँ पर चेंज वगैरह करते हुए भी काम कर सकते हो। मैं रिकमेंड करूँगा दोस्तों यहीं पर क्लिक करने के लिए, सिंपली आपको यहाँ पर क्लिक करना है। यहाँ पर क्लिक करने के बाद इसको तो सबसे पहले लेफ्ट की तरफ ले आना
जाना है यहाँ पर देखिए इस तरीके से, और उसके बाद डिज़ाइन ऑप्शन ऑटोमेटिकली खुल जाते हैं दोस्तों। यहाँ पर देखिए डिज़ाइन ऑप्शन खुल जाते हैं, और उसके बाद यहाँ पर मैं आपको एक एक करके समझाऊंगा दोस्तों ये सब कुछ किस तरीके से यूज़ करते हैं। मैंने एक बार फिर से वीडियो पर सब कुछ बनाकर एक वीडियो बनाकर अपलोड किया था दोस्तों, अभी तक नहीं देखो तो प्लीज़ देख लीजिए, आई बटन पर लिंक है दोस्तों, जाकर बड़ी आसानी से देख सकते हो। तो मैंने यहाँ पर कुछ इक्वेशन वगैरह टाइप कर लेता हूँ, उसके लिए ये फॉर्मेट जरूरी है दोस्तों, ये वाले फॉर्मेट आपको बनाकर एक बार जरूर ट्राई कर लीजिए दोस्तों, ये वाले फॉर्मेट बनाकर। मैंने अभी अभी बताया था दोस्तों लेआउट के अंदर क्लिक करते सब कुछ इस तरीके से ही फॉर्मेट बनाना है आपको, और बनाने के बाद सिंपली आपको यहाँ पर टाइप करना है, कुछ भी दिक्कत वाली बात नहीं है। तो मैंने यहाँ पर टाइप करने के लिए कुछ मैंने ऑलरेडी बनाया हुआ टेम्पलेट यूज़ किया हूँ दोस्तों, तो मैंने इसी पर कुछ टेक्स्ट वगैरह एडिट करते हुए आपको दिखाऊंगा दोस्तों मैथ का क्वेश्चन किस तरीके से टाइप करते हैं। तो यहाँ पर देखिए सबसे पहले आपको डिज़ाइन के अंदर क्लिक करना है, डिज़ाइन के अंदर क्लिक करने के बाद यहाँ पर आपको ढेर सारे ऑप्शन मिलेगा, जैसे कि आपको इक्वेशन वगैरह चाहिए तो यहाँ पर देखिए इसको क्या बोलते हैं इंटरसेक्शन यूनियन प्लस माइनस इक्वल्स टू, इसको ढेर सारे ऑप्शन है इनटू डिवाइडेड, ये सब कुछ यहाँ पर आपको यूज़ करते हैं आप यूज़ कर लीजिए दोस्तों, आपको जो जो पसंद यूज़ करना है आपको जो एक्चुअली आपको जो यहाँ पर मैथ के क्वेश्चन के लिए काम आते हैं वही आपको सेलेक्ट करते हो आप यूज़ कर सकते हो। यहाँ पर देखिए फ्रैक्टेशन है दोस्तों फ्रैक्शन, और इसको यूज़ करते हैं आप ढेर सारे 1/2 वगैरह टाइप करने के लिए इसको यूज़ कर सकते हो, स्क्रिप्ट का यूज़ कर सकते हो, यानी कि किसी भी टेक्स्ट को पावर वगैरह देना है तो यानी कि कुछ भी नंबरिंग का पावर वगैरह देना है तो यूज़ कर सकते हो, रेडिकल यानी कि रूट वगैरह आपको यूज़ कर सकते हो, इंटीग्रल और इसको यूज़ करते हुए आप यूज़ कर सकते हो, लार्ज ऑपरेटर ये सारी आपको यहाँ पर मिलेगा, ब्रैकेट वगैरह आप यूज़ करते हो। मैं आपको एक बार ब्रैकेट वगैरह यूज़ करता हूँ, यहाँ पर देखिए ब्रैकेट क्लिक करता हूँ, ब्रैकेट क्लिक करने के बाद इस तरीके से यहाँ पर आ जाते हैं, और आने के बाद सिंपली आपको यहाँ पर क्लिक करना है, और यहाँ पर क्लिक करते हैं मैं इसको स्क्रिप्ट यानी कि फ्रैक्टेशन यूज़ करूँगा, और इसको थोड़ा सा इसको ऊपर की तरफ इसको क्लिक करूँगा, तो यहाँ पर मैं टाइप कर लेता हूँ 5/2, इस तरीके से आपको टाइप करना है दोस्तों, सिंपल है, माउस को एरो कीबोर्ड का एरोस की का बटन यूज़ करते हैं आपको यहाँ पर यूज़ करना है। तो इस तरीके से मैंने टाइप किया, अब मैं यहाँ पर कुछ सिंबल वगैरह यूज़ करना चाहता हूँ डिवाइडेड, और फिर से यहाँ पर मैं कुछ रूट वगैरह यूज़ करना चाहता हूँ, तो यहाँ से मैं इस तरीके से 12-5 वगैरह इसको यूज़ करते हैं। इस तरीके से आपको यहाँ पर क्वेश्चन पेपर बना सकते हो, और फिर से आपको यहाँ पर और बनाने हैं तो फिर से मैं इसी वाले को सेलेक्ट करता हूँ, कंट्रोल सी करता हूँ, और एक बार इंटर करते कंट्रोल भी करता हूँ, तो यहाँ पर देखिए ये भी यहाँ पर आ चुका है, इसको आप स्पेस प्रेस करते आपको जहाँ पर भी रख सकते हो। और उसके बाद यहाँ पर मैं फिर से इंसर्ट के अंदर क्लिक करते इक्वेशन के अंदर क्लिक करता हूँ, मैं इस बार आपको यहाँ पर ये वाला मैट्रिक्स यूज़ करने सिखाऊंगा दोस्तों, मैं ये वाला क्लिक करता हूँ और यहाँ पर इसको मैट्रिक्स यूज़ करता हूँ, तो लाइक दिस वन, और उसके बाद यहाँ पर क्लिक करता हूँ 1/2, और यहाँ पर 4/5, और यहाँ पर 7/6, कुछ इस तरीके से मैंने यहाँ पर कंप्लीट एक टाइप कर दूंगा। अब आपको यहाँ पर सिंपली रूट वगैरह बनाकर आपको अपलोड का यूज़ करना है, स्क्रिप्ट वगैरह यूज़ करना है, सिग साइन थीटा कॉस थीटा वगैरह यूज़ करना है तो यहाँ पर आपको यूज़ कर सकते हो, कॉस 30° वगैरह आपको यूज़ करना है, डिग्री वगैरह आपको यहीं पर मिलेगा दोस्तों, यहाँ पर देखिए डिग्री, और इसको यूज़ करना है। तो इस तरीके से बड़ी आसानी से क्वेश्चन पेपर यहाँ पर टाइप हो रहा है मैथ का क्वेश्चन पेपर, और मैं फिर से आपको एक बार और क्वेश्चन पेपर टाइप करके दिखाता हूँ, इसी को मैं यहाँ पर सेलेक्ट करता हूँ कंट्रोल से कंट्रोल वी, और यहाँ पर क्वेश्चन 1 के जगह 2 टाइप कर लेता हूँ, यहाँ पर क्वेश्चन 1 के जगह 3। तो इस तरीके से मैंने कंप्लीट कर चुका हूँ, अब मैं यहाँ पर इंसर्ट के अंदर क्लिक करता हूँ, मैं यहाँ पर आपको जस्ट दिखा रहा हूँ दोस्तों इक्वेशन किस तरीके से यूज करते हैं, आपको जो भी क्वेश्चन है वही टाइप कर लीजिए दोस्तों, यही क्वेश्चन टाइप करने का जरूरत नहीं, आपको जो भी है आप टाइप कर सकते हो। मैं फॉर एग्जाम्पल के लिए ये वाला टाइप कर लेता हूँ, और उसके बाद यहाँ पर देखें यही छोड़ देता हूँ, आपको यहाँ पर चेंजेस करना है तो कर सकते हो। मैं एग्जाम्पल आपको दिखा रहा हूँ दोस्तों, मैं यहाँ पर आपको इस तरीके से बनाकर दिखा रहा हूँ, आपको यहीं पर क्लिक करते हुए ये सारे ऑप्शन भी आप यूज कर सकते हो, कुछ भी दिक्कत वाली बात नहीं, बड़ी आसानी से क्विक प्रोसेस पर आप यहाँ पर यूज कर सकते हो। मैं फिर से यहाँ पर इसको पेस्ट करता हूँ, 4 टाइप कर लेता हूँ, और उसके बाद यहाँ पर मैं फिर से एक क्वेश्चन पेपर ये वाला लेता हूँ दोस्तों। इसी तरीके से आपको करना है, यहाँ पर क्लिक करते हुए आपको ढेर सारे ऑप्शन मिलेगा, इसको यूज करना है तो आप यूज कर सकते हो, इसको लेफ्ट के अंदर यूज करते हैं आप यहाँ पर इस तरीके से यूज कर सकते हो, तो यहाँ पर आपको ये यूज करना है तो यूज कर सकते हो, और यहाँ पर और भी ज़्यादा है दोस्तों, यहाँ पर क्लिक करते हैं आपको ये वाला आपको यूज करना है, और साइन थीटा कॉस थीटा आपको जो भी यहाँ पर यूज करना है तो आप यूज कर सकते हो, इस तरीके से आप यहाँ पर इक्वेशन यूज कर सकते हैं। आपको यहाँ पर जो भी चेंजेस वगैरह करना है क्लिक करना है, बड़ी आसानी से चेंजेस भी कर सकते हो, कुछ भी दिक्कत वाले
बात नहीं है। तो यहाँ पर देखिए इस तरीके से मैंने इतना तक ये प्रोसेस कंप्लीट कर चुका हूँ। अब आपको सिंपली क्या करना है, आपको यहीं पर फिर से कुछ फिगर वगैरह बनाने हैं। तो मैं आपको एक बार फिगर वगैरह बनाकर दिखा देता हूँ दोस्तों। यहाँ पर देखिए हमें सॉल्व दिस फिगर यहाँ पर टाइप कर लेता हूँ। इस तरीके से मैंने यहाँ पर टाइप किया है। अब आपको क्या करना है, सिंपली आपको फिगर वगैरह बनाने के लिए यहाँ पर इंसर्ट के अंदर क्लिक करना है। यहाँ पर देखिए ढेर सारे शेप्स माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस वर्ड ने अवेलेबल किया है दोस्तों। आप यहाँ को इस वाले फिगर को यूज करते हुए, यानी कि इस वाले शेप्स को यूज करते हुए आप जिस तरीके का भी फिगर वगैरह क्रिएट कर सकते हो। तो दोस्तों यहाँ पर देखिए मैं कुछ एक फिगर यहाँ पर आपको ड्रॉ करके दिखाऊंगा। तो सबसे पहले आपको फिगर बनाने के लिए मैं एक फिगर बना लेता हूँ। सबसे पहले तो मैं कुछ इस तरीके का शेप्स क्रिएट करना चाहूँगा। तो यहाँ पर देखिए इस तरीके का शेप्स क्रिएट करना चाहूँगा और यहाँ पर इसको ड्रॉ करना चाहूँगा। तो ड्रॉ करने के बाद दोस्तों इस तरीके से आता है। अब आपको सिंपली इसको शेप फिल नो फिल करना है, आउटलाइन ब्लैक कलर करना है। तो करने के बाद दोस्तों देखिए इस तरीके से फिगर बनकर तैयार हो चुका है। अब आपको यहाँ पर कुछ भी इस तरीके का एक क्रॉप वगैरह बनाने हैं तो यहाँ पर इसको इंसर्ट के अंदर क्लिक करना है। अब आपको यहाँ पर क्रॉप के अंदर क्लिक करना है। सब कुछ आपको एक एक करके बनाने हैं दोस्तों। यहाँ पर कुछ सब कुछ यहाँ पर एक ही जगह आपको देखने को नहीं मिलेगा, तो आपको एक एक करके यहाँ पर ऐड करना है। तो इस तरीके से आपको ऐड करना है ब्लैक कलर, आपको इसको थोड़ा सा छोटा वगैरह करना है तो आप इस तरीके से कर लीजिए। इसको वेट वगैरह बड़ा करना है तो इस तरीके से आप कर सकते हो। इस तरीके से देखिए दोस्तों यहाँ पर ये वाला भी ऑप्शन यहाँ पर बनकर तैयार हो जाएगा। इसको आप आउटलाइन वगैरह चेंज करना चाहते हो तो यहाँ से डॉट डैश इस तरीके का आउटलाइन वगैरह भी है, आपको इस तरीके का भी यूज करते हो, आप यहाँ पर काम कर सकते हो। और उसके बाद ऊपर की तरफ इस तरीके का एक फिर से ड्रॉ करना है तो यहाँ पर फिर से आपको कॉप्स के अंदर क्लिक करना है और इस तरीके से आपको एक बार ड्रॉ करना है। यहाँ पर देखिए इस तरीके से यहाँ पर भी आप यहाँ पर एक लगा सकते हो और उसके बाद आपको इसी को कंट्रोल डी करते हुए इसको रोटेट वगैरह करते हुए आप इसको यहाँ पर भी इस तरीके से सेट वगैरह कर सकते हो। तो इस तरीके से आपको आउटलाइन भी कलर वगैरह चेंज करते हुए आपको यहाँ पर इस तरीके से काम कर सकते हो। आपको यहाँ पर जो भी टेक्स्ट वगैरह टाइप करना है तो कुछ भी दिक्कत वाले बात नहीं दोस्तों, आप सिंपल तरीके से यूज कर सकते हो। आपको यहाँ पर देखिए आप इसको एक बार क्लिक कीजिए, यहाँ पर देखिए टेक्स्ट बॉक्स को क्लिक करना है और इस तरीके से आपको ड्रॉ करना है। तो ध्यान से देखिए दोस्तों इसी तरीके से बिल्कुल आपको करना है। और आपके बाद यहाँ पर फॉन्ट वगैरह आपको कम करना है तो यहाँ से कर सकते हो। और उसके बाद इसको यहाँ पर ए टाइप करना है और उसके बाद इसको यहाँ पर स्पेस बटन प्रेस करते हैं, यहाँ पर आपको बी टाइप करना है। अब आपको यहाँ पर स्पेस बटन प्रेस करते हैं, यहाँ पर इसको कोई भी नाम दे सकते हो, यानी कि सी दे सकते हो। और इस तरीके से आपको छोटा करना है, अब इसको यहाँ पर ऑफ करना है। उसके बाद सिंपली इसकी को आपको यहाँ पर सेफ फिल कलर नो फिल, सेफ आउटलाइन कलर नो आउटलाइन, ये प्रोसेस है दोस्तों। देखिए कितना इजी तरीके से इस तरीके से आप यहाँ पर फिगर वगैरह क्रिएट कर सकते हो माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस वर्ड पर। आपको कुछ टेक्निक वगैरह यूज करना है तो ही आप यहाँ पर काम कर सकते हो दोस्तों माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस वर्ड पर। कुछ क्वेश्चन पेपर के लिए आप यहाँ पर फिगर वगैरह बना सकते हो। तो इसको मैं यहाँ पर देखिए इसी को कंट्रोल होल्ड करते हुए इस तरीके से ड्रैग करूंगा तो दोस्तों देखिए यहाँ पर कॉपी होकर आ चुका है। अब आपको सिंपली इसको यहाँ पर सेट करना है और यहाँ पर इसको थोड़ा सा स्पेस प्रेस करते हुए इसको थोड़ा सा निकालना है यहाँ पर इस तरीके से, और यहाँ पर आपको इस तरीके से रखना है। तो दिक्कत वाली कुछ भी बात नहीं है। आप यहाँ पर इसको डी इस तरीके से डी और इस तरीके से ई, यहाँ पर आपको एफ नेम देना है तो यहाँ पर आपको एफ भी दे सकते हो। सब कुछ कैपिटल लेटर पे है, मैं कुछ इस तरीके से कर रहा हूँ। तो यहाँ पर देखिए इस तरीके से ये फिगर कंप्लीट हो चुका है। अब आपको क्या करना है, इस शेप्स को सब कुछ को ग्रुप करना है। ग्रुप करने के लिए सिंपली आपको सेलेक्ट के अंदर क्लिक करना है, सेलेक्ट ऑब्जेक्ट के अंदर क्लिक करना है और इस तरीके से आपको यहाँ पर सेलेक्ट करना है। तो यहाँ पर देखिए सब कुछ सेलेक्ट हो चुका है। अब आपको सिंपली एक शेप्स कर बैठकर कुछ इस तरीके से आने के बाद दोस्तों एरोज के ऑप्शन पर, ये वाला ऑप्शन आने के बाद आपको राइट क्लिक करना है, ग्रुपिंग के अंदर क्लिक करना है, ग्रुप करना है। तो इस तरीके से ये सब कुछ ग्रुप हो चुका है। तो ये ग्रुप नहीं हुआ, इसी को भी मैं यहाँ पर इस तरीके से क्लिक करते हुए सबको यहाँ पर सेलेक्ट करते हुए इसको राइट क्लिक करते हुए ग्रुप करूंगा। तो यहाँ पर देखिए सब कुछ बड़ी आसानी से ग्रुप हो चुका है। अब आपको सिंपली क्या करना है, आपको इस फिगर को जहाँ पर ऐड करना है तो आप ऐड कर सकते हो। इस तरीके से इंटर बटन प्रेस करते हुए आप यहाँ पर जो भी टेक्स्ट आपको जो भी फिगर फिर से बनाना है आप इस तरीके से इसको सेलेक्ट कर लीजिए, यहाँ पर पेस्ट कर लीजिए। ये क्वेश्चन नंबर 5 है एक्चुअली, और यहाँ पर मैं इस तरीके से आप यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 6। अब इसको आप यहाँ पर कुछ मार्क्स वगैरह देना चाहते हो तो यहाँ पर दे सकते हो। इसका मार्क्स 4 है एक्चुअली, एग्जांपल के लिए दोस्तों ये एक्चुअली क्वेश्चन ही नहीं है दोस्तों, मैं आपको जस्ट
यहाँ पर सिखा रहा हूँ किस तरीके से क्वेश्चन पेपर मैथ का टाइप करता है, और इसको मैं यहाँ पर 8 टाइप कर लेता हूँ, और इसको मैं यहाँ पर कुछ इस तरीके से टैब बटन प्रेस करते इसको 5 दे देता हूँ, ये एक्चुअली मार्क्स है दोस्तों। और उसके बाद आपको यहाँ पर फिर से एक फिगर वगैरह फिर से बनाने हैं, तो आपको यहाँ पर फिर से कुछ शेप्स वगैरह क्रिएट करना पड़ेगा, तो मैं यहाँ पर एक शेप्स क्रिएट करने जा रहा हूँ। तो एक्चुअली मैं इस तरीके का एक शेप्स क्रिएट कर लेता हूँ, मैं यहाँ पर दिखा देता हूँ आपको शेप्स क्रिएट करते हुए। तो एक फिगर फिर से मैं यहाँ पर ड्रॉ कर लेता हूँ, उसके लिए मैं यहाँ पर इंसर्ट के अंदर क्लिक करता हूँ, शेप्स के अंदर क्लिक करता हूँ, और यहाँ पर मैं इस तरीके का एक ट्रायंगल शेप्स क्रिएट कर लेता हूँ। तो यहाँ पर इस तरीके से ड्रॉ करता हूँ, ड्रॉ करने के बाद आपको क्या करना है, इस पॉइंट को इस तरीके से आपको यहाँ पर रखना है। तो मैं इसको शेप आउटलाइन नो करता हूँ, और यहाँ पर मैं फिर से इसको शेप फिल कलर नो सॉरी आउटलाइन ब्लैक करता हूँ, शेप फिल कलर नो करता हूँ। तो यहाँ पर देखिए इस तरीके से फिगर बनकर तैयार हो चुका है। अब मैं यहाँ पर एक ओवल शेप्स क्रिएट करना चाहूँगा, तो यहाँ पर मैं इस तरीके से एक ओवल शेप्स यहाँ पर ड्रॉ करता हूँ, और इसको मैं यहाँ पर यूज करता हूँ। तो यहाँ पर देखिए कुछ इतना तक ये प्रोसेस कंप्लीट हो चुका है, आउटलाइन वर्ड कर लेता हूँ, इस तरीके से यहाँ पर मैंने बना चुका हूँ। अब मैं फिर से यहाँ पर कुछ लाइन वगैरह ऐड करना चाहूँगा, तो कुछ इस तरीके से शेप्स के अंदर क्लिक करते हुए ये वाले फ्री फ्रॉम शेप्स क्रिएट कर लेता हूँ। तो यहाँ पर देखिए इस तरीके से आपको मैथ का क्वेश्चन का फिगर आप बड़ी आसानी से ड्रॉ कर सकते हैं। इसको डबल क्लिक करते हुए आपको इसका आउटलाइन को ब्लैक करना है, और फिर से आपको एक लाइन वगैरह ड्रॉ करना है, तो यहाँ से भी आप बड़ी आसानी से ड्रॉ कर सकते हो। तो इसको भी वाइट का ब्लैक करना है, थोड़ा सा इसको वाइट बढ़ाना है, और इस ये दो को यहाँ पर आपको सेलेक्ट करना है, इसको ग्रुप करना है, राइट क्लिक करते हुए आपको इसको ग्रुप करना है, मैं यहाँ पर ग्रुप कर रहा हूँ। और उसके बाद आउटलाइन वगैरह आपको यहाँ पर डॉटेड डैश इस तरीके का आउटलाइन वगैरह आपको देना है तो आप दे सकते हो। वेट वगैरह आपको पतला करना है तो आप इस तरीके से पतला भी कर सकते हो। इस तरीके से देखिए यहाँ पर भी कंप्लीट हो चुका है। आपको भी इसी तरीके से इसी टेक्स्ट को आपको यहाँ पर कंट्रोल डी करना है, ये वाला ऑप्शन को आपको यहाँ पर रखना है सॉरी। तो इसको तो मैं सबसे पहले यहाँ पर ग्रुप कर लेता हूँ, अनग्रुप कर लेता हूँ, तो दिक्कत हो रहा है ये शेप्स एडजस्ट करने के लिए, इसको फिर से अनग्रुप कर रहा हूँ। तो यहाँ पर मैं आउटसाइड के अंदर क्लिक करते हुए ये वाले शेप्स को टेक्स्ट को यहाँ पर यूज करने जा रहा हूँ। तो आपको बिल्कुल इसी तरीके से करना है दोस्तों, दिक्कत वाले कुछ भी बात नहीं है, आप बड़ी आसानी से यहाँ पर कर सकते हो। आपको यही प्रोसेस अप्लाई करना है दोस्तों मैथ का क्वेश्चन टाइप करने के लिए, अदरवाइज आपको ये प्रोसेस नहीं करते हो तो यहाँ पर आपको काम करने का और ज़्यादा कठिन होगा दोस्तों आपको यहाँ पर काम करने का। और इस तरीके से आपको एडजस्ट वगैरह करना है तो यहाँ पर आपको एडजस्ट कर सकते हो इस तरीके से। तो यहाँ पर मैं इसको भी वापस ले आ रहा हूँ बैक स्पेस करते हुए। तो यहाँ पर देखिए इस तरीके से इतना तक ये प्रोसेस कंप्लीट कर चुका हूँ। तो आप भी इसी तरीके से क्वेश्चन पेपर टाइप कर सकते हो दोस्तों। आपको यहाँ पर कंप्लीट होने के बाद आपको इस तरीके से ये सब कुछ को यहाँ पर सेट करना है, और आपको यहाँ पर क्लिक करते हुए एंटर बटन प्रेस करते हुए यहाँ पर इसको ले जा सकते हो दोस्तों। यहाँ पर देखिए आप यहाँ पर मैं यहाँ पर इसको तो सबसे पहले ग्रुप ही कर लेता हूँ, ये बहुत दिक्कत दे रहा है दोस्तों। इस तरीके से सेलेक्ट करता हूँ और ग्रुप करना है आपको, मैं कुछ इतना तक ही करूँगा। तो यहाँ पर देखिए फिर से सेलेक्ट ऑब्जेक्ट ये वाले ऑप्शन को कुछ इतना तक करूँगा, तो राइट क्लिक करते हुए ग्रुप करूँगा। तो ग्रुप करने के बाद दोस्तों अब मैं यहाँ पर इंटर प्रेस करता हूँ तो यहाँ पर दिक्कत नहीं दे रहा है। इस तरीके से आपको यहाँ पर आपको नेक्स्ट पेज पर चला जाएगा, और आपको यहाँ पर फिर से क्वेश्चन पेपर टाइप करना है। आप इसी तरीके से बिल्कुल बढ़िया आसानी से मैथ का क्वेश्चन वगैरह टाइप कर सकते हो। तो दोस्तों आप लोगों का आज का वीडियो कैसा लगा, प्लीज़ लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, चैनल पर पहली बार आया तो सब्सक्राइब कीजिए। मैं मिलता हूँ अगले वीडियो पर किसी नए टॉपिक के ऊपर, तब तक के लिए नमस्कार दोस्तों।